बच्चों के माता पिता ने कन्या आश्रम के अधीक्षिका पर आरोप लगाया। दरअसल माता पिता ने बच्चों से मारपीट करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे नाराज अभिभावक कलेक्टर पहुंचे और अधीक्षिका को पद से हटाने की मांग की है। वहीं अभिभावक का कहना है कि हम लोग घर से आते हैं बच्चों को देखने के लिए, साथ में जो खाने का बिस्किट वगैरह लाते हैं उसको भी देने तक नहीं दिया जाता। दूसरे बच्चों के पालक खाना पीना का व्यवस्था कर ले जाते हैं, उनको देना मना नहीं करते, खाली हमारे बच्चों के साथ ही ऐसा किया जाता है। अधीक्षक बोलती है कि जो भी खाने को दोगे दूसरे बच्चे को बांट कर खिला देंगे। बच्चों के पिता कहते हैं कि बच्चे के साथ अपशब्द बोलते, तेल साबुन भी देते नहीं देते। यदि अधिशिक्षिका को हटाया नहीं गया तो बच्चों को लेकर गांव में पढ़ाने के लिए बाध्य होंगे। खांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। अधीक्षक की वजह से बच्चे मन के वो अपशब्द के उपयोग तो बोलते, तेल साबुन में बड़ दिक्कत वो करते, ना तो कोलगेट ब्रश आज तक वैसे हम पूरा पहली से लेकर पाँचवीं तक खरीद खरीद के देते हैं। ये तेल साबुन पैसा मतलब कहाँ करते अधीक्षक का जाने, यदि ना जाने ना हटे ना तो पूरा बच्चे ला हम वापस गांव में ले जाके अपन गांव में पढ़ाबू। क्या करते बच्चे के साथ मारपीट भी करते हैं क्या? मारपीट भी करते, अपशब्द के उपयोग करते हैं।